प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत की सबसे बड़ी बंदरगाह परियोजना वाधवन पोर्ट का महाराष्ट्र के पालघर में करेंगे शिलान्यास। मधुबनी में किसानों को ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया का छिड़काव करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। नवादा मंडल कारा में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा संचालित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण शिविर में बंदियों को मशरूम की खेती की तकनीक सिखाई गई। समस्तीपुर जिले के खानपुर थाना पुलिस ने बाधोपुर गांव में छापेमारी कर 6 कुख्यात अपराधियों को भारी मात्रा में हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गोपालगंज में स्नान करने के दौरान 5 लड़कियां नहर में डूबी, 3 लड़कियों को सुरक्षित बचा लिया गया, 2 की तलाश जारी। पटना में उत्पाद विभाग की टीम ने बड़े पैमाने पर नकली कफ सिरप बरामद किया। ट्रांसपोर्ट कंपनी की आड़ में नशे का हो रहा था कारोबार। कटिहार पुलिस की विशेष टीम ने सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़े सॉल्वर गैंग के 3 सदस्यों को फर्जी कागजात के साथ गिरफ्तार किया। कटिहार के आजमनगर क्षेत्र में केसरी चौक के पास देर रात हुई अगलगी की घटना में आधा दर्जन से अधिक घर जलकर हुए राख। गया में 6वीं बिहार बटालियन के एनसीसी कैडेटों को आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण के तहत विभिन्न प्रकार के प्रबंधन तकनीकों के बारे में प्रशिक्षित किया गया। और राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न खेलों से जुड़े उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया।